Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेज आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के बड़ी मार्केट में और आपको बता दें कि सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी जो मुंब्रा मार्केट का बताया जा रहा था। वो वीडियो दरअसल इसी जगह की जो है बताई जा रही है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है सब्जी यहाँ पर जो एक छोटा सा नाला बना हुआ है उस नाले के पानी से सब्जी को धोते हुए नज़र आ रहा है। बहरहाल जैसे ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई तरह तरह की चर्चाएं मुंब्रा शहर में इस वीडियो को लेकर शुरू हो गई कि खाने पीने की चीज़ों को लेकर किस तरह से गंदे पानी से सब्जियां धुली जा रही थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं शहर में एक चर्चा का माहौल बन गया और वीडियो ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। और इस पे एक सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे में रमज़ान का महीना चल रहा है और जो है समय सीमा जिस तरह से सब्जी की दुकानें खुलने को लेकर दी गई है और वहीं पर जो सब्जियां लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं उन सब्जियों को जो है गंदे पानी से धुलते हुए जो है एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। तो आपने देखा किस तरह से ये वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हुई है, लेकिन जो सब्जी विक्रेता है उनके जो शख्स सब्जी धो रहा था उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है राजू, इस वीडियो को लेकर उनका कुछ अलग ही तर्क है, अलग ही बयान है। उनका क्या कहना है हम उन्हीं से बात करते हैं। ये जिस तरह से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई है, शायद आपके पिताजी हैं जो सब्जी गंदे पानी से धो रहे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो टमाटर का थ्रेड लगा हुआ था तो उसकी अचानक छत पे गिर गई तो जाके गटर में गिर गया, तो हम लोग उसको टमाटर का उठा के क्रेट में उठा के डाल देते, तो लोगों ने अफवाह इसको वीडियो बना के भेज दिया कि टमाटर गटर में घो रहे। इतने साल से हमने धंधा करे, कभी ऐसे कभी शिकायत कभी आई नहीं, आज पहली बार पता नहीं कोई वीडियो लगा के भेज दिया। अच्छा, ये जो पानी आ रहा है यहाँ नाले में, पानी गटर का पानी कैसा पानी है? आप लोग उसमें धुल तो रहे हैं, बहरहाल गटर का है या साफ पानी क्या है, उसमें सब्जी धुलते हुए तो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, गटर का पानी नहीं है, पीछे काम हो रहा है कम्बीना उसका, तो उसी का ही पानी। अच्छा, ये जो काम हो रहा है बिल्डिंग का काम हो रहा है, वही साफ पानी आ रहा था तो अचानक छत पे गिरने के कारण ये हो गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि गिर गई थी, अगर वो गिर गया था तो निकाल के सब्जी को आप दूसरे पानी से साफ पानी मंगा कर आप उसके धो सकते थे, ना कि जो है नाले में जो पानी बह रहा है। चलो टाइम आपके मान लेते हैं कि बिल्डिंग का काम चालू है, वो पानी वहाँ से आ रहा था, आपने उससे धुल लिया, लेकिन सही था क्या ये धुलना? नहीं, गलत था। तो एक्चुअली हम लोग पानी गिरा, टमाटर का क्रेट गिरा, तो हमने इसको उठा के साइड में रखा, फिर बाद में अच्छा पानी ला के इसको धोया जाता है। पार्टी पानी जो गिरा था ना गटर में पानी, उसका पानी उसको उठाकर हमने अच्छा पानी ला के फिर यूज किया गया। ऐसा पानी हमने यूज नहीं किया। हम इतने साल से 20-25-30 साल हो गए धंधा कर रहे थे, कभी इसी बात मौका नहीं हुआ, आज पहली बार डाली गिरने के कारण गिर गया था। कभी दोबारा ऐसा होगा गंदे पानी से सब्जियाँ धोए? लोग खाने पीने की चीज़ है ना, आप ऐसे अगर गंदे पानी से धोएंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? नहीं, विश्वास तो कैसे करेंगे, गलती तो हो गई, अभी क्या करेंगे। आपने सुना कि जिस तरह से जो सब्जी विक्रेता के बेटे हैं राजू, हालांकि ये भी यहीं पर सब्जी बेचते हैं, और इनका साफ कहना है कि गलती हो गई है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू इधर वहां से ये पानी जो है आता है, इनका कहना साफ पानी है, लेकिन बहरहाल पानी साफ है या गंदा है ये नाले में जो है बह रहा पानी है और इसी से सब्जी जो है जिस तरह से धोई जा रही थी, इन्होंने अपनी गलती जो है स्वीकार की है और दोबारा से ऐसा काम ना करने की भी बात कही है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।